नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्व अध्ययन से संबंधित तमिलनाडु के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है साथ में मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। नवाचारी शिक्षक ने अपने विद्यालय में बच्चों में टीम भावना को विकसित करने, कुछ मॉरल वैल्यूज देने और साथ ही साथ मिल करके कुछ नया कर दिखाने के विश्वास को बच्चों में जागृत करने के लिए इस नवाचार को अपने विद्यालय में अपनाया। नवाचारी शिक्षक ने इस नवाचार को दो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से अपनाया। इसमें पहली गतिविधि है पाठ्य पुस्तकों से। अब पाठ्य पुस्तकों से कैसे? नवाचारी शिक्षक ने कक्षा में बच्चों को कोई एक चैप्टर कंप्लीट करवाया। चैप्टर जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ग्रीडी किंग, जो लालची राजा है, उससे संबंधित एक चैप्टर इंग्लिश में कंप्लीट करवाया। ये चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद बच्चों में साथ में मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करने और अपने आप खुद को अध्ययन करने के गतिविधि से जोड़ने के लिए नवाचारी शिक्षक ने बच्चों को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। बांटने के पश्चात नवाचारी शिक्षक ने उन बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित कहानी पूरी समझाते हुए कहा कि आपको इसका रोल प्ले करना है। बच्चों ने इस रोल प्ले के लिए अलग अलग कार्यभार अपने ग्रुप में सभी को समझा दिए। किसी बच्चे ने मुखौटे या मुकुट बनाने का काम लिया, किसी बच्चे ने डायलॉग लिखने से संबंधित काम लिया, किसी बच्चे ने उस पर अध्ययन करना शुरू किया गहराई के साथ में कि मुझे उस पर और कैसे अच्छे तरीके से उसे नाट्य रूप में रूपांतरित करना है। अब बच्चों ने मिलकर इस गतिविधि को कंप्लीट किया। नवाचारी शिक्षक ने बच्चों को एक सप्ताह का टाइम दिया। सभी बच्चों को अलग अलग गतिविधि दी गई। सभी बच्चों ने अपना अपना नाट्य रूपांतरण तैयार किया। एक सप्ताह के बाद जब बच्चों ने अपना समूह के साथ में मिल करके उस नाटक की प्रस्तुतिकरण को दिया, तो बच्चों को वो अध्याय जो शिक्षक ने करवाया था उसे गहनता से समझने में मदद मिली। उस एक नाटक की वजह से कक्षा के सभी बच्चों को वह चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब उनके सामने वही चीज एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में आ चुकी थी, उसका प्रस्तुतिकरण उन्होंने देखा था। अब जब वो पिक्चर के रूप में देख लेते हैं तो उनके दिमाग में एक छवि बन जाती है, वह गतिविधि की वजह से उन्हें लंबे समय तक याद रखता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, इस आप भी इसे अपने विद्यालय में अपनाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारी YouTube चैनल ZIEI को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।